हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपा, मेरी माँ की रेसिपी से। और आज मैं बनाने वाली हूं कांजी बड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आपको ये 2-3 दिन का टाइम भी नहीं लगेगा और आपके ये स्वाद भी बहुत लगेंगे और बहुत अच्छे बनते हैं ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, तो आप उस तरह से बनाना भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, तो इसके लिए आप पहले देख लीजिए क्या क्या सामान इसके लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कांजी। तो ये देखिए, हमने इमली को फुला दिए हैं, तो इसे 3-4 घंटा लगा फुलाने में। तो ये अच्छे से फूल जाने के बाद इसे हम अच्छे से छन्ना में छान लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अच्छा से छान लीजिएगा और इसे अब कुछ पतला घोल कर दीजिएगा। मैं इसमें ढेर सारा पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास इमली कम है तो आप इसमें जलजीरा भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम सारा को अच्छा से छान लेंगे। और ये देखिए, इमली का पानी आ गया। अब इसमें मिलाएंगे चटपटा बनाने के लिए मसाला। तो सबसे पहले मिलाते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद इसमें हम दे देंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा टैंगी के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये काला नमक देने से। तो ये देखिए, इसमें काला नमक मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाइएगा, आवश्यकता अनुसार मिलाइएगा। इसके बाद इसमें हम मिला देंगे 1 बड़ा चम्मच से पूरा भर के जीरा और लाल मिर्चा का ये पाउडर है ये। तो हमने जीरा और लाल मिर्चा को अच्छा से भून लिए हैं, भून के बाद इसका हम पाउडर बना लिए हैं, वो है ये पाउडर। तो ये 1.5 चम्मच में इसमें हम डाल दिए हैं, और डाल देने के बाद इसे मिला लेंगे हम। अब इसमें लगाना है छौंका। तो ये देखिए, सरसों का तेल हम डाले हैं, और डालने के बाद इसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों दे देंगे, पीला सरसों। ये देखिए इस तरह से, और इसे हल्का सा चटकने देंगे। तो ये हल्का सा चटक जाएगा, उसके बाद ये देखिए हल्का सा ये लाल हो चुका है। जिसे सारा हम ले करके सीधा हम ये कांजी जो बना रहे हैं ना, बस इसी में ये डाल देंगे। आपको धूप लगाने का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत लोग तो बनाते हैं कांजी तो 2-3 दिन धूप लगाते हैं, तो आपको धूप भी नहीं लगाने होंगे, बस ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। बस इसे आप इस तरह से बना करके बड़ा इसमें डाल दीजिए और 4 घंटे के लिए रहने दीजिए। तो आप खाइएगा तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, खट्टा मीठा लगेंगे ये। आपको ज़्यादा अगर खट्टा पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा, यानी कि 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएंगे, ये बहुत जल्दी बन जाए। तो चलिए बनाते हैं वड़ा दोस्तों। तो ये देखिए, हमने 4 घंटा फुला कर रखे हैं मूंग दाल। तो कांजी का वड़ा जो बनता है वो मूंग दाल से ही बनता है ये, और आप इसे 4 घंटा ही फुलाइएगा। ज़्यादा देर तक अगर फुलाइएगा, आप सोचिएगा कि 12 घंटा फुलाएं, रात भर फुलाएं, तो आपका ये जो वड़ा जो बनेगा ना, पूरा इसको जो पेस्ट बनाइएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा पतला बनेगा दोस्तों। इसे पतला नहीं बनाना है, सिर्फ 4 ही घंटा फुलाइएगा। तो ये देखिए, इसका हम पेस्ट बना लिए हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट है ये। ये देखिए, हम इसमें एक जरा सा ही पानी ऐड नहीं किए हैं। तो आप भी अगर कांजी वड़ा बना रहे हैं तो सिर्फ 4 घंटा ही मूंग दाल को फुलाइएगा। और इस तरह से हम सारे का पेस्ट बना लेंगे, सारे मूंग दाल का। तो ये देखिए, अच्छा से हम इसको फेंट लेंगे, बस अभी बाद में ही फेंटना है, अभी थोड़ा सा फेंट लेते हैं बस इतना ही। इसके बाद इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम इसमें कांजी में भी नमक देंगे तो इसमें भी हल्का सा नमक होना चाहिए। तो ये देखिए, हल्का सा नमक दे दिए हैं। इसके बाद इसका स्वाद थोड़ा बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम कद्दूकस के हुआ अदरक दे रहे हैं, आप भी दीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और चटपटा करने के लिए मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा हरा मिर्च। तो ये ढेर सारा है लेकिन मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा। ये देखिए, बस इतना ही, बस इसका फेंटना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चम्मच हम हटा दे रहे हैं, और इसके बाद आप हाथों से मतलब कम से कम 10 मिनट तक फेंटिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फेंटिएगा उतना ही ज़्यादा ये हल्का बनेगा और उतना ही ज़्यादा ये फूला फूला बनेगा। तो फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से आप फेंट लीजिए। फेंट लेने के बाद आप तुरंत कढ़ाई चढ़ाइए, और कढ़ाई में सरसों का तेल दे के ही बनाइएगा। तो मैं सरसों का तेल दे दी हूँ, और तेल बहुत गर्म हो चुका है, ये देखिए धुआं कर रहा है तेल। तो धुआं वाला तेल में ही आप इसे फटाफट डालते जाइए गोल गोल। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे गोलाकार में डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से जल्दी जल्दी डाल दीजिए, लेकिन आँच को तेज ही रखिएगा,
अगर कम आँच रखिएगा और आप इसे डालिएगा तो तेल आपका ठंडा हो जाएगा, फिर ये जो बड़ा है वो पूरा सारा तेल पी लेगा, फिर आपके तेल अच्छे मतलब आपके बड़े अच्छे नहीं बनेगा, फिर आप बोलिएगा रूपा आप हमने पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, तेज आँच में इसे ही बनाइएगा। तो ये देखिए इस तरह से उलट पुलट लीजिए, ये देखिए कितने अच्छे से बने हुए, ये फूले फूले बने हैं ये। तो इसको ज़्यादा खूब लाल नहीं कीजिएगा, बस हल्का ही लाल कीजिएगा और इस तरह से आप निकाल लीजिएगा सारे को। उसके बाद मेन सीक्रेट टिप्स है इसका ये कि आप इसे तुरंत निकाल करके आप इसे तुरंत ठंडे पानी में डाल दीजिएगा, मतलब जो नॉर्मल पानी होता है वैसा में आप इसको डाल दीजिएगा। तो ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ, ये देखिए पानी इसका नॉर्मल है, और इस तरह से हम सारे डाल करके तुरंत ढक देंगे। और ढकने के बाद इसे हम आधे घंटे के लिए ढकेंगे, और ढकने के बाद ये जब देखिए कितने अच्छे से पानी पी लिए हैं, और ये इसके बाद हम इसे अब तुरंत निकालेंगे, और निकाल लेने के बाद इसे हम कांजी में दे देंगे। बस हमारा ये कांजी वड़ा बनके तैयार हो गया है दोस्तों, इसे आप तुरंत खाइए या फिर 4 घंटा बाद खाइए, आपको वही स्वाद लगेगा और बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में कांजी वड़ा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैं हमेशा बनाती हूँ, आपको 3-4 दिन आपको वेट करने का की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस तरह से बनाइए और फटाफट खाइए, बच्चे लोग को भी खिलाइए, बहुत फ़ायदे करते हैं ये, इसके कांजी जो हैं ये फ़ायदे भी करते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा हमें आपको ये कैसा लगा दोस्तों। तो अब बारी आती है दोस्तों टिप्स की, और आज का टिप्स है ब्यूटी टिप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पलक घने नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पलक घने हो जाएं, तो मैं एक उपाय बताऊंगी, इसे करने से आपके पलक बहुत ही जल्दी घने हो जाएंगे। पर हाँ दोस्तों, आपको ये डेली करना होगा, यानी कि डेली रात में आपको करके सोना होगा इसे। तो चलिए बनाते हैं इसके पैक। तो ये देखिए हमने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल, ये देखिए 1 कैप्सूल निकाल लेंगे और इसकी 2 बूंद यूज करेंगे। तो ये देखिए हम इसको काट के रखे हैं ये, तो ये देखिए प्लेट में हम इसे डाल देते हैं, ये 1 और 1, ये 2, बस इतना ही लेना है क्योंकि इसे आँखों के पलक में लगाना है तो उसका एरिया बहुत ही कम होता है। या फिर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको आप ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में ले करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर हमने लिया है थोड़ा सा पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये देखिए ये भी कम लिए हैं, ये इसे भी इसमें डाल देंगे। तो एलोवेरा फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल, जी हाँ दोस्तों ये देखिए कोकोनट ऑयल है, ये भी चेहरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। तो इसे आपको आँखों पर मसाज करना है हल्के हाथों से, ये देखिए इस तरह से, इसे भी हम थोड़ा सा लेंगे। तो मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे इसकी मात्रा बढ़ा बढ़ा के थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करके ले लीजिए, और इसे आप एक डब्बा में डाल करके फ्रिज में रख दीजिए, और आप डेली रात को सोते समय में इस तरह से आप मिला करके हल्के हाथों से आँखों पर मसाज कीजिए, और आपको आँखों में मसाज करने से आपकी नींद भी अच्छी आएगी और साथ में आपके पलक जो है वो घने भी हो जाएंगे, और साथ में अगर आपके आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, अगर एब्रो कम है तो वो भी घने हो जाएंगे। तो देखिए एक उपाय हम बता रहे हैं, इसके कितने सारे फायदे हैं दोस्तों, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी टिप्स या रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और आइकन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छे लग रहे हैं दोस्तों टिप्स या रेसिपी तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।